brought to you by Glimpsy. Win up to rupees 5 crores every day. Download the app now. गुजरात टाइटंस ने आईपीएल टेबल के टॉप पर अपनी जगह बरकरार रखी है। टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराकर आईपीएल प्लेऑफ में अपनी जगह लगभग पक्की कर ली। इस मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने टॉस जीता और फाफ डुप्लेसी ने बैटिंग करने का फैसला लिया। विराट कोहली और रजत पाटीदार की 85 के दम पर आरसीबी ने गुजरात को 171 रन का टारगेट दिया। गुजरात के लिए प्रदीप सांगवान ने 2 विकेट लिए। जवाब में गुजरात के लिए शुभमन गिल के साथ रिद्धिमान साहा ने ओपनिंग की। साहा गिल ने मिलकर टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाई और फिर अंत में डेविड मिलर और राहुल तेवतिया ने मिलकर गुजरात को एक बार फिर मैच जिताया। इस जोड़ी ने मिलकर अब तक गुजरात के लिए 4 मैच निकाले हैं। मिलर ने 24 बॉल पर 39 रन बनाए और तेवतिया ने 25 बॉल पर 43 रन की पारी खेली। दोनों ने मिलकर 79 रन की पारी में 9 चौके और 3 छक्के लगाए। राहुल तेवतिया को उनकी ताबड़तोड़ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। मैच जीतने के बाद हार्दिक पंड्या ने बताया कि उनको अपनी टीम की कौन सी आदत पसंद आ रही है। पंड्या ने कहा, यही इस टीम की खूबी है, प्लेयर्स आगे आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि वो मुश्किल स्थितियों में क्या कर सकते हैं। ये एक आदत बन गई है, हमारे प्लेयर्स बार बार ये करके दिखा रहे हैं। उनके मिलर तेवतिया राशिद के आत्मविश्वास को श्रेय देना चाहिए, वो लगातार मैच खत्म कर रहे हैं। राहुल के साथ मेरी बहुत सारी बातचीत हुई है, आप उस आत्मविश्वास को देख सकते हैं। अगर आप इस तरह के खेल खत्म कर सकते हैं तो आपको सुपर कूल होने की जरूरत है। इससे आपको लगता है कि आपका 7वां 8वां या 9वां बल्लेबाज भी आपको मैच जिता सकता है। ये जीत गुजरात के लोगों को समर्पित है क्योंकि कल गुजरात दिवस है। आपने हमें जो प्यार और शुभकामनाएं दी हैं उसके लिए धन्यवाद। मैंने महाराष्ट्र में बहुत खेला है, महाराष्ट्र दिवस की भी शुभकामनाएं। ये रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की लगातार तीसरी हार थी। कैप्टन फाफ डुप्लेसी ने बताया कि टीम से कहां गलती हुई, हम 175-180 तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, नींव अच्छी थी लेकिन उन्होंने बीच के ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी की। मुझे लगा कि हमने 5-10 रन कम बनाए वरना हमारा टोटल अच्छा था। हमने गेंद से अच्छी शुरुआत की लेकिन टूर्नामेंट के दौरान लगातार कंसिस्टेंट रहने का श्रेय जीटी के खिलाड़ियों को देना चाहिए, वो अपने लक्ष्य का पीछा करने के दौरान शांत रहे हैं। पाटीदार ने वास्तव में अच्छा खेला, ये उनके और टीम के लिए बहुत अच्छा था। एक टीम के रूप में इस तरह से बल्लेबाजी करने का ये एक अच्छा प्रयास था, खासकर पिछले 2 मैच के दौरान जो हुआ उसके आत्मविश्वास को हम आगे के मैच में इस्तेमाल करेंगे। हमने शॉर्ट साइड पर 2-3 आसान बाउंड्री दी लेकिन उनकी फिनिशिंग अच्छी रही। हमेशा दबाव होता है, खासकर जब आपके पास बीच में अच्छे खिलाड़ी हो। शायद 17वें ओवर में हम लगातार शॉर्ट साइड पर बॉलिंग करते रहे और हमें यही नहीं करना चाहिए। जितना हो सके गलतियां कम करनी होंगी। आप सही एरिया में बॉलिंग करें तो एक बड़ी बाउंड्री के साथ भी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। विराट कोहली ने फॉर्म में वापसी करते हुए आईपीएल 2022 का अपना पहला 50 जड़ा। कप्तान फाफ ने इस पारी के बारे में कहा, कोहली का रन बनाना सही दिशा में एक बड़ा कदम था। क्रिकेट में आत्मविश्वास एक बड़ा पहलू है, ये अक्षतः कोहली के लिए और हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके टॉप 4 बल्लेबाजों में किसी को 70-80 रन बनाने की जरूरत है। 30-40 रन बनाने से मैच जीतने में मदद नहीं मिलेगी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का अगला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से 4 मई को होगा। वहीं गुजरात टाइटंस अपनी अगली जीत की फिराक में पंजाब किंग्स के खिलाफ 3 मई को मैदान में उतरेगी। अब जाने से पहले थोड़ी सी आपके काम की बात कर लेते हैं। गेमजी ऐप, इस ऐप का लिंक हमने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको डाउनलोड कीजिए। T20 क्रिकेट सीजन में यहाँ पर अपनी टीम बनाइए और डेली 5 करोड़ तक के इनाम पाइए। और क्या फायदे हैं, आप यहाँ पर दूसरे इनिंग्स में भी टीम बना सकते हैं। लाइव अपनी टीम आप 8 बार बना सकते हैं और पहली बार डिपॉजिट करते हैं तो 100% का कैशबैक भी है। इसी के साथ निवेश करना बहुत ज्यादा आसान हो गया है। 5paisa ऐप डाउनलोड कीजिए, 5 मिनट में अपना डीमैट अकाउंट बनाइए। यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट आइडियाज, रिसर्च टूल, 0% ब्रोकेज और अब आप ललन टॉप व्यूअर है तो आपके लिए खास कोड IPL200 भी है जिसका आप फायदा उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो के लिए स्क्रिप्टिंग की है पुनीत ने, मैं हूँ गर्मा। स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।